रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड। एज यू ऑल नो, फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपसे चर्चा करते हैं गुजरे हुए दौर की, बीते हुए जमाने की, कुछ ऐसे किस्सों पर, कुछ ऐसे कहानियों पर जो आज भी ताजा है। कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र एक बार फिर से करते हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल आ जाते हैं। आज फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपसे बात करने वाले हैं रेखा, अमिताभ और जया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्यार का एंगल कब लव ट्रायंगल बन गया पता ही नहीं चला। रेखा जया बच्चन शादीशुदा थे, इनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चे हो रहे थे और उसके बाद रेखा आई। रेखा ना अपने दिल पर काबू रख पाई, ना महानायक अमिताभ बच्चन का जोर अपने आप पर रहा। लव ट्रायंगल हर जगह चर्चे बटोरने लगा और जया बच्चन इस लव ट्रायंगल पर जब चुप्पी तोड़कर इंटरव्यू दे गई तो हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जब जया बच्चन ने रेखा अमिताभ के प्यार के फसाने को लेकर उड़ रही खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी, इंटरव्यू में सवालों का सामना किया, क्या कुछ कहा था, ये जानकारी आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही खुद ब खुद ख्याल जहन में सदाबहार अभिनेत्री रेखा का आ जाता है। रेखा को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वक्त था जब रेखा और अमिताभ एक दूजे के साथ थे। शादीशुदा अमिताभ को दिल दे बैठी थी रेखा और रेखा के प्यार को बिग बी भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उसके बाद कहा जाने लगा इनकी प्यार की आग बच्चन परिवार तक पहुंच चुकी है और शादीशुदा अमिताभ अब अपने परिवार को इस आग से बचाना चाहते हैं, इसलिए रेखा के साथ दूरी बना रहे हैं। क्या सच और क्या झूठ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जया बच्चन कुछ और कहती आई हैं, अमिताभ बच्चन कुछ और कहते आए हैं और सदाबहार अभिनेत्री रेखा दिल खोलकर इस प्यार को अपनाती आई हैं, स्वीकारती आई हैं। सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने इस प्यार को हमेशा दिल से अपनाया है, दिल से स्वीकारा है। और दोस्तों, इसी के बीच में हम आपसे बात करने वाले हैं अमिताभ और रेखा को लेकर उड़ी उस खबर के बारे में जिसने बी टाउन की दुनिया में हड़कंप मचाया, लेकिन इस खबर पर चुप्पी तोड़कर जया बच्चन ने कहने वालों का मुंह बंद किया। बता दें आपको, अमिताभ और रेखा के अफेयर के चर्चे चारों तरफ सुनाई पड़ रहे थे और ये चर्चे इस हद तक बढ़ने लगे थे कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा ने चोरी चोरी चुपके चुपके शादी कर ली है। इनकी जोड़ी को लेकर बड़ी बड़ी मैगजीन्स में तरह तरह की खबरें लिखी जाने लगी और ऐसी ही मैगजीन में रेखा के सिंदूर के तार महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जोड़े गए थे। जया बच्चन मीडिया के सामने आई और जब मीडिया के सामने आई तो उनसे अमिताभ रेखा के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया और जया ने चुप्पी ना साधी, ना जया लोगों पर भड़की, बल्कि जया बच्चन ने यहाँ साफ तौर पर अपने दिल की बात सबके सामने रखी और ऐसे जवाब दिए कि उसके बाद से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी रिपोर्टर की हिम्मत नहीं हुई जया बच्चन से इस बारे में सवाल करने की। जया बच्चन ने साफ तौर पर कहा, हम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, शूटिंग के दौरान अफेयर को लेकर बातचीत होना आम बात है, अगर इस समय में एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखेंगे तो रोज खाई टूटने लगेंगे। यहाँ जया ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें रेखा और अमिताभ इन दोनों पर ही पूरा भरोसा है और ये जो खबर आ रही है ये खबर महज एक नाटक है। नाटक इसलिए क्योंकि लोग अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं, नाटक इसलिए क्योंकि लोग अक्सर इस तरह की छोटी छोटी बातों को मीडिया बड़ा बनाती है और उसके बाद लोगों के घर टूटते हैं। इस नाम का बिल साफ तौर पर जया बच्चन ने मीडिया के नाम पर फोड़ दिया। जया ने कह दिया कि ये जो अफेयर की खबर आ रही है, इस खबर को सिर्फ और सिर्फ मीडिया ने बनाया है, क्योंकि मुझे तो रेखा और अमिताभ इन दोनों पर ही पूरा भरोसा है। जया ने कहा, अगर मैंने इनके रिश्ते को सीरियसली ले लिया तो मेरी लाइफ नरक बन जाएगी,
इसलिए मैं इनके रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों को जरा भी सीरियसली नहीं लेना चाहती। बात सिर्फ इतनी है कि लोग इन दोनों को पर्दे पर देखना पसंद करते हैं, इसलिए मीडिया ने अफेयर वाली बात को हवा दे दी। इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की अफवाहों ने जन्म ले लिया। बता दें आपको, जया ने यहां अमिताभ पर विश्वास जताया और साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें अफेयर की बातों पर कोई यकीन नहीं है। हालांकि आपको बता दें, जया बच्चन भी कई बार अलग अलग तरह के जवाब देती हुई सुनी गई हैं। एक बार सदाबहार अभिनेत्री रेखा पर उन्होंने तंज भी कसा है। एक बार सदाबहार अभिनेत्री रेखा को उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने पर भी रोका है और यहाँ दूसरी तरफ सीधे तौर पर मीडिया के नाम पर बिल भी फाड़ा है। अब जया के दिल में उस वक्त क्या था और आज क्या है, कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ बड़े ही अदब, बड़े ही मान, बड़े ही सम्मान और बड़े ही प्यार के साथ मिलती हुई जया बच्चन देखी जाती हैं। जया बच्चन ने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि ये जो खबरें वो सुनती हैं, अगर उन्हें सच मान लेंगी, अगर उन पर भरोसा करेंगी और अगर उनको जरा भी तवज्जो देंगी तो उनकी अपनी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जया बच्चन ने सीधे तौर पर कह दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, उन्हें पूरा भरोसा है अमिताभ बच्चन पर। यहां सवाल ये उठता है कि अगर जया को इतना ही भरोसा रेखा और अमिताभ पर था तो आखिर क्यों, जब कुली फिल्म के दौरान बिग बी घायल हो गए थे, अस्पताल में थे, रेखा उनसे मिलने आई तो जया ने मिलने नहीं दिया। हैरानी हो रही है ना, क्या करें। इतिहास जो रहा है इनके लव ट्रायंगल का, उनके पन्नों पर एक कहानी ये भी लिखी गई है। 1983 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब बिग बी हो गए थे बुरी तरह घायल, रोती हुई रेखा आई थी मिलने के लिए और जया ने मिलने नहीं दिया। इसे लेकर क्या दावा किया जाता है आज तक, देखिए जरा। अगर जया बच्चन को रेखा और अमिताभ के रिश्ते से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी तो आखिर क्यों जया ने रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया। जी हाँ, ठीक सुन रही हैं आप, ये किस्सा है जिसको कहा गया है, जिसका दावा किया गया है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा जहां भी मौजूद होती हैं, रेखा और अमिताभ के बीच एक अजब सा सिलसिला महसूस किया जाता है। इन्हीं सब के बीच कहा ये जाता है कि जया बच्चन रेखा अमिताभ के अफेयर की खबरों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। परेशान इस तरह की जया के सब्र का बांध टूटने लगा और एक दिन जब महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल पहुंचे, 1983 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान घायल होकर जिंदगी और मौत के साथ जब बिग बी जंग लड़ रहे थे, जब देश और विदेश से करोड़ों लोग महानायक अमिताभ बच्चन की बेहतरी के लिए सजदा कर रहे थे, उस वक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई थी सदाबहार अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची। लेकिन यहां जया ने अस्पताल में रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया। जी हां, कहा जाता है कि रेखा एक झलक दूर से बिग बी की लेना चाहती थी लेकिन जया बच्चन ने ये तक नहीं करने दिया। इस बात का जिक्र भी रेखा ने अपने इंटरव्यू में किया। रेखा ने कहा, सोच कर देखिए, मैं उस शख्स को नहीं ये बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही होगी। उस वक्त मुझे मौत मंजूर थी लेकिन ये जो मैं बेबसी को महसूस कर रही थी, ये बेबसी मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। अब सवाल ये आज उठता है कि अगर जया बच्चन अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कह चुकी थी कि मुझे इनके अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर क्यों जया बच्चन ने अस्पताल में अमिताभ बच्चन से रेखा को मिलने नहीं दिया। खैर, अब अंदर की बात क्या है ये तो जया, रेखा और अमिताभ ही जानते होंगे। वाकई अंदर की बात क्या है ये तो हमारे लिए भी कह पाना मुश्किल है। अंदर की बात क्या चली हमारे लिए भी सोच पाना मुश्किल है। दोस्तों, आज के लिए हमारे प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में बस इतना ही। रेखा, अमिताभ और जया के लव ट्रायंगल से जुड़े कुछ सवाल किए गए जया बच्चन से, जिनके जवाब दिए जया बच्चन ने, उनके जवाबों पर क्या सवाल उठे, ये जानकारी हमने आपको दी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी तरह से आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत।
जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।